इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जंग पर तमाम देशों की नजरें टिकी हुई हैं। तो वहीं जब से इसराइल हमले में हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद कई देशों में मातम पसरा हुआ है। तो वहीं सबसे ज्यादा चर्चा ये थी कि अब हिजबुल्ला की कमान किसके हाथों में जाएगी, आखिर हिजबुल्ला का सरदार किसको चुना जाएगा और कौन इसका चीफ बनेगा। तो आपको बता दें कि इसका ऐलान अब हो चुका है। जी हाँ, हाशिम सफीदीन को हिजबुल्ला का सरदार चुन लिया गया है। हाशिम सफीदीन अब हिजबुल्ला के नए चीफ होंगे। आइए आपको बता दें कि आखिर कौन है हिजबुल्ला का नया चीफ और नसरल्लाह से हाशिम सफीदीन का क्या रिश्ता है और ये कौन है। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। जी हाँ, सैयद हसन नसरल्लाह की इजरायली हमले में जान जाने के बाद अब हाशिम सफीदीन को हिजबुल्ला का नया चीफ बनाया गया है। वह हसन नसरल्लाह का चचेरा भाई है। 1964 में दक्षिणी लेबनान के दीर कानून एन नहार में जन्मा हाशिम सफीदीन एक प्रमुख लेबनानी शिया मौलवी और हिजबुल्ला का सीनियर लीडर है। नसरल्लाह की जान जाने के बाद सफीदीन को ही हिजबुल्ला का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा था, यानी कि सफीदीन ही नसरल्लाह का करीबी बताया जाता था। आज हाशिम सफीदीन को हिजबुल्ला के चीफ बनाए जाने का ऐलान कर दिया है। वह हिजबुल्ला के सबसे प्रमुख व्यक्तियों में से एक है और शिया मुस्लिम आंदोलन के संरक्षक। ईरान के साथ उनके गहरे धार्मिक और पारिवारिक रिश्ते हैं। हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद से हिजबुल्ला के लड़ाकों के बीच हाशिम को कमान देने की चर्चा जोरों पर थी और अब जाकर इसका ऐलान कर दिया है, यानी ये साफ हो गया है कि अब हिजबुल्ला का नया चीफ हाशिम बनेगा। नसरल्लाह ने 32 साल तक हिजबुल्ला को चलाया, लेकिन इसराइल के हमले में उसकी जान चली गई, जिसके बाद चारों तरफ हंगामा मच गया और उसके बाद ये चर्चाएं आम हो गई कि आखिर अब कौन हिजबुल्ला का नया चीफ बनेगा। नसरल्लाह के रहते हुए भी हाशिम को हिजबुल्ला में कई जिम्मेदारियां दी गई थी। वह कई विभागों का प्रमुख था, कई विभागों को संभालता था। बताया जाता है कि हाशिम खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब ने 2017 में सफीदीन को आतंकवादियों की नामित सूची में डाल दिया था, जो हिजबुल्ला की शक्तिशाली निर्णय लेने वाली शूरा परिषद का सदस्य है। बहरहाल अब ये सवाल दूसरा है कि अब शूरा परिषद को एक नए महासचिव का चुनाव करने के लिए बैठक करनी होगी। पवित्र शहर कौम में धार्मिक अध्ययन करने के बाद से ही सफीदीन के ईरान के साथ मजबूत संबंध रहे हैं। तो वहीं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक खास बात यह है कि सफीदीन का बेटा ईरानी जनरल का सगा दामाद है। सफीदीन के बेटे की शादी ईरानी के रिवॉल्यूशनरी गार्ड की विदेशी ऑपरेशन शाखा के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी से शादी हुई है। साल 2020 इराक में अमेरिकी हमले में जनरल कासिम मारे गए थे। सफीदीन के पास सैयद की उपाधि उनकी काली पगड़ी है, जो उसे नसरल्लाह की तरह पैगंबर मोहम्मद के वंशज के रूप में चिन्हित करती है। सालों तक छुपे रहने वाले सफीदीन हाल ही के राजनीतिक और धार्मिक आयोजनों पर खुले तौर पर दिखाई देते रहे हैं। ये थी कुछ जानकारी हिजबुल्ला के नए चीफ के बारे में, जो कि अब बन चुके हैं सफीदीन। जी हाँ, जिनका पूरा नाम हाशिम सफीदीन है। और अब ये क्या फैसला लेते हैं, इसराइल से जंग किस तरह लड़ते हैं, ये देखने वाली बात होगी और तमाम देशों की नज़रें इनके फैसले पर टिकी हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।